गरियाबंद में पुलिस ने दो हीरा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास 12 हीरे बरामद हुए हैं। इनकी बाजार में कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी हीरे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में थे। खास बात यह है कि आरोपियों की गाड़ी में एमपी सरकार की ऑन ड्यूटी का पोस्टर चस्पा था। मामला दरअसल गरियाबंद जिले के सूरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मध्य प्रदेश नंबर की गाड़ी से हीरो की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया और सूचना के आधार पर सड़क पर नाकाबंदी कर दी। इस दौरान छुरा महाविद्यालय के पास पुलिस ने एक सफेद रंग की गाड़ी को रोका। उसमें दो युवक सवार थे। तलाशी के दौरान अलग अलग 5 और 7 हीरे बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों के नाम जितेंद्र शर्मा और सैयद जीशान है, जो खमतराई के शिवानंद नगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने जो गाड़ी जब्त की उस पर मध्य प्रदेश शासन ऑन ड्यूटी लिखा हुआ था। आशंका है कि दोनों आरोपी ओडिशा से हीरा तस्करी कर ले जा रहे थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कार जब्त कर ली है, उसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पूरा पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति जितेंद्र शर्मा और सैयद दोनों ने उनके पास हीरे को बेचने की फिराक में घूम रहे थे। सूचना मिलने पर तुरंत थाना प्रभारी की अध्यक्षता में हम लोगों ने टीम बनाया और भेजा, तो छुरा क्षेत्र में ही हम लोग गए तो एक तार में दोनों हीरे बेचने वाले हमको मिले। उसके बाद हम लोगों ने उन दोनों को बाहर उतारा, उनसे पूछताछ किया तो दोनों के पास से 12 नग हीरे मिले। उसके बाद उस संबंध में हम लोगों ने उनको पेपर पेश करने को बोला, लेकिन उनके पास कोई पेपर नहीं था और उन्होंने बताया कि इसको बेचने के लिए वो लोग आए थे यहाँ पर। बाद में उसको हम लोगों ने मतलब उसकी कीमत को देखा तो लगभग ये 2 लाख रुपये का है और लगभग उनके पास से जो गाड़ी हम लोगों ने कुरियर सीज की उसकी कीमत 2,50,000 है। इस प्रकार से कल छुरा पुलिस ने टीम वर्क करके एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़।